जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे 14वें ओलंपिक खेल से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा प्रयोगी प्रश्नों पर। पहला प्रश्न देखिए, 12वां ओलंपिक खेल द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ। 12वें ओलंपिक खेल का आयोजन 1940 टोक्यो जापान में किया जाना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 13वां ओलंपिक खेल 1944 लंदन में होना था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 13वां ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जी हाँ, तीसरा पॉइंट देखिए, 14वें ओलंपिक खेल में भारतीय हॉकी टीम ने चौथा स्वर्ण पदक इंग्लैंड को हरा कर जीता था। जी हाँ, भारतीय हॉकी टीम ने चौथा स्वर्ण पदक इंग्लैंड को फाइनल में 4-0 से पराजित करके प्राप्त किया, और इस टीम के कप्तान किशन लाल थे। और भारतीय हॉकी टीम द्वारा स्वर्ण पदक जीतने के कारण पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया था और पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निवासी श्री पिंगली विन काया ने 14 जुलाई 1947 में तैयार किया था। वैसे तिरंगे की या तिरंगे को सबसे पहले भीकाजी कामा ने विदेशी धरती पर फहराया था। और बात करें तो राष्ट्रीय गान श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने 27 दिसंबर 1911 को तैयार किया गया, जिसे भारतीय संविधान ने 24 जून 1950 को अपनाया था। अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। जी हाँ, इस ओलंपिक में खेल गांव नहीं बनाए गए थे, यानी 14वें ओलंपिक खेल में खेल गांव नहीं बनाए गए थे, क्योंकि यह ओलंपिक द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद आयोजित हुए थे, इसीलिए। अब बात कर लेते हैं पांचवें पॉइंट की। जी हाँ, जर्मनी व जापान को निमंत्रण नहीं भेजा गया किस ओलंपिक में? 14वें ओलंपिक खेल में जर्मनी और जापान को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि फाइन आर्ट प्रतियोगिता को अंतिम बार ओलंपिक में शामिल किया गया था किस ओलंपिक में? 14वें ओलंपिक खेल 1948 लंदन इंग्लैंड में आयोजित फाइन आर्ट प्रतियोगिता को अंतिम बार ओलंपिक में शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट सातवां, पहली बार ओलंपिक में स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग किया गया किस ओलंपिक में? 14वें ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक में स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इस ओलंपिक में पहली बार मेजबान देश पदकों के आधार पर प्रथम तीन स्थान पर नहीं आया। और इसके अलावा और बात किया जाए 14वें ओलंपिक खेल के बारे में, तो हॉलैंड की 30 वर्षीय पैनल ब्लैंकर्स ने एथलेटिक्स में 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए। उस वक्त वह 2 बच्चों की माँ थी, इसलिए वह फ्लाइंग हाउस वाइफ के नाम से मशहूर हुई। तो ये रोचक तत्व तो 14वें ओलंपिक खेल से जुड़े हुए हैं। और भी बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, आठवें पॉइंट की। जी हाँ, पैरालंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? लुडविक गटमैन को पैरालंपिक खेलों का जनक माना जाता है। इनसे संबंधित और भी रोचक तत्व के बारे में भी बात करें तो विकलांग खिलाड़ियों के लिए इस ओलंपिक में पैरालंपिक खेलों की गैर आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई। इसको शुरू करने का श्रेय इंग्लैंड के न्यूरोसर्जन लुडविक गटमैन को जाता है। लुडविक गटमैन को पैरालंपिक खेलों का पितामह कहा जाता है। गटमैन ने इस ओलंपिक में विकलांगों के लिए व्हीलचेयर से संबंधित प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया। गटमैन इंग्लैंड के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। इस ओलंपिक के बाद आधिकारिक रूप से पैरालंपिक खेलों का आयोजन 1960 रोम ओलंपिक में किया गया।
आईओसी के अंतर्गत विकलांगों के खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी का गठन किया गया। इसका मुख्यालय जर्मनी के बोन नामक शहर में है। शीतकालीन ओलंपिक में प्रथम बार पैरालंपिक खेलों को 1998 में जापान के नगानो शहर में शामिल किया गया था। 2016 के पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। इस तरीके से ये था 14वें ओलंपिक खेल से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात कर लेते हैं 9th पॉइंट की। भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार भाग लिया किस ओलंपिक में? 14वें ओलंपिक खेल में भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार भाग लिया था। जी हाँ, इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली बार भाग लिया जिसमें भारतीय टीम नंगे पांव मैच खेली थी, जिसके कारण कप्तान चांगी नागालैंड के तरली मेरन एओ थे। यह रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी और मोहन बागान टीम के सदस्य भी थे। और भी बात करें इसके बारे में तो भारतीय टीम ने अपना पहला मैच फ्रांस से 2-1 से हार गई थी। भारत की तरफ से एकमात्र गोल सरंगा पानी रमन ने किया था। और बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, 10वें पॉइंट की। भारतीय टीम अपना पहला मैच फ्रांस से 2-1 से हार गई थी किस ओलंपिक में? 14वें ओलंपिक खेल में। और भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें तो प्रथम स्थान यानी 14वां ओलंपिक खेल 1948 में हुआ। इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया? इसमें पहला स्थान अमेरिका ने प्राप्त किया, जबकि द्वितीय स्थान स्वीडन ने प्राप्त किया, जबकि तृतीय स्थान फ्रांस ने प्राप्त किया था। और बात करें तो और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो यहाँ से बनेगा नेक्स्ट पॉइंट। देखिए 14वां पॉइंट क्या है। आईओसी के अध्यक्ष यानी 14वें ओलंपिक खेल के समय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जे सिगफ्रीड एडेस्ट्रोम। ये थे 14वें ओलंपिक खेल के अध्यक्ष। तो ये था 14वां ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद।